नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं गूगल क्रोम के बारे में। और जैसा कि आपने दोस्तों देखा होगा, आपको चलना है यहाँ पर, ये जो तीन आपको डॉट दिख रहे हैं, इसके बाद ऑप्शन देख सकते हैं आप हेल्प का, और आपको क्लिक करना है अबाउट गूगल क्रोम पे। दोस्तों ऐसा करने से ये चेक करता है और बताता है कि आपका क्रोम ब्राउज़र अपडेट है या नहीं। हमने अभी अपडेट कर लिया है। आप इसको जैसे ही अपडेट करेंगे दोस्तों, तो एक टैब ओपन होगा, और वो जो टैब है ये मैं आपको फिर से बता देता हूँ, उसका नाम होगा दोस्तों व्हाट्स न्यू। जैसे ही हम यहाँ व्हाट्स न्यू पे क्लिक करेंगे, तो इस बार जो गूगल क्रोम ने अपडेट किया है उसमें तीन इतने बेहतरीन फीचर्स लेकर आए हैं। पहला आप देख सकते हैं, आपको चलना है, मान लीजिए आपको इमेज सर्च करनी है और आप यहाँ पर सर्च कर लीजिए, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर एक सांची स्तूप सर्च कर लेते हैं। इमेजेस में हम चलते हैं। इमेजेस में चलने के बाद हम जिस भी इमेज पर क्लिक करेंगे, मान लीजिए मैंने इस पर क्लिक कर लिया है, अब मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन लेनी है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो उसको नहीं जानते हैं बाई इमेज नेम, तो आप चलिए यहाँ पर गूगल लेंस पर, ये गूगल लेंस का ऑप्शन अभी इसमें ऐड किया गया है दोस्तों, और आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं इस तरीके से। आप जैसे ही इस पर सर्च करेंगे दोस्तों, तो आप नीचे देख सकते हैं, देखिए ये गूगल लेंस पर लिखा गया है स्तूपा बुद्धिस्ट टेम्पल, ये रेटिंग आ गई है, इससे रिलेटेड सारी इमेजेस आ गई हैं। आप यहाँ किसी पर भी क्लिक करके जो है इसकी जानकारी देख सकते हैं, और ये इमेजेस का आप जो है यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों गूगल क्रोम ने अब जो है गूगल लेंस के साथ यहाँ पर मिलकर आपकी इमेजेस के जो एक्सपीरियंस को है एनहांस किया है, और भी इसको बहुत अच्छा बना दिया है। इसी के साथ दोस्तों अगला है पीडीएफ प्रेजेंटर। ये पहले आप लोग कई ऐसे नहीं जानते होंगे कि हम गूगल क्रोम में भी पीडीएफ खोल सकते हैं। मान लीजिए ये पीडीएफ है और मैं इसको लेकर चलता हूँ, आप देखिए मैंने इसको ड्रैग किया हुआ है, मैं क्रोम पर जाता हूँ और मैं इस टैब पर यहाँ क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक किया, देखिए दोस्तों ये कैलेंडर ओपन हो गया है। अब ये जो तीन डॉट आप देख पा रहे हैं, यहाँ क्लिक करने के बाद एनोटेशंस के नीचे प्रेजेंट लिखा आ रहा है, हमें जस्ट यहाँ प्रेजेंट पर क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल करूँगा, तो ये इस तरीके से जो है हमें दिखाई देगा पूरा कैलेंडर, आप ये देख सकते हैं। तो ये अभी प्रेजेंट हो रहा है, प्रेजेंटेशन की फॉर्म में है, ये भी एक नया इसका जो है अपडेट है क्रोम का। और दोस्तों तीसरा जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट है वो है दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कई बार ऐसा होता था, मैं सेटिंग्स में आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये 5 टैब हैं और ये गलती से बंद हो गए हैं, और गलती से बंद होने के बाद हमें अफसोस होता है कि हमें वो सारे टैब जो ओपन थे वो बंद नहीं होने चाहिए, और कैसे भी करके मुझे उनका यूज़ करना था। तो दोस्तों यहाँ एक ऑप्शन आया है ऑन स्टार्टअप, यहाँ आप क्लिक कीजिए। ऑन स्टार्टअप पर आपको तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शन जो है सेट होता है, जिसमें लिखा है ओपन द न्यू टैब पेज। जितनी भी बार आप क्रोम का जो है ब्राउज़र ओपन करेंगे, तो एक न्यू टैब ओपन पेज आपको दिखेगा, आप इस पर क्लिक कीजिए, और इसका मीनिंग है कंटिन्यू वेयर यू लेफ्ट ऑफ। अब मान लीजिए ये 5 टैब आपको दिख रहे हैं, और मुझसे जो है गलती से क्रोम बंद हो गया, और रीस्टोर का भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो जैसे ही अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे हम ये देखिए क्लिक कर रहे हैं, जितने भी टैब थे दोस्तों वो दोबारा से रीस्टोर हो गए हैं, और सारे के सारे टैब यहाँ पे दोबारा ओपन हो गए हैं। बस हमें करना क्या है, ऑन स्टार्टअप पर जाने के बाद कंटिन्यू वेयर यू लेफ्ट ऑफ पर जो है क्लिक कर देना है। अब आप नेक्स्ट टाइम से जब भी क्रोम को जिस हालत में बंद करेंगे, वह उस हालत में ही ओपन हो जाएगा। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है दोस्तों, जब आप पढ़ाई कर रहे हों, कोई काम कर रहे हों, प्रोजेक्ट बना रहे हों, और आप चाहते हैं थोड़ी देर रेस्ट लेना, और चाहते हैं क्रोम को बंद करना, नेक्स्ट टाइम आप चाहते हैं कि वो सभी टैब फिर से ओपन हो जाएँ जिनके माध्यम से आप अपना काम पूरा कर रहे थे, तो आप इस ऑप्शन को ओपन रखिए, और जितने भी बार आप इस तरीके से बंद करेंगे इसको, और नेक्स्ट टाइम इस पर क्लिक करेंगे, विजिट करेंगे, तो जो टैब लास्ट टाइम सारे बंद किए गए थे वो सभी आपको यहाँ पर ओपन मिलेंगे। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप व्हाट्स न्यू, आपको हमेशा जब भी अपडेट आता है क्रोम बताता है कि उसने क्या क्या चेंजेस किए हैं। इस तरीके से आप नीचे
मंथली बेसिस पे भी देख सकते हैं, मार्च में क्या चेंज किए, जनवरी में, मई में क्या चेंज किए, ये सभी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट के माध्यम से बताइए वीडियो कैसा लगा, अपने दोस्तों को भी बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।